नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। यूपी के मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में संगीनों के साय में वोट पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कब बड़ी संगीनों के साय में और पुलिस सुरक्षा में ये वोट पड़ रहा है, और इस दौरान काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। ये तस्वीरें हैं कोपागंज थाना क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज की, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोग मतदान करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें, उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। अच्छा, क्या सोच के आए आज वोट देने? आपका क्या नाम है? अच्छा, मन में क्या है कि किस क्या वोट देंगे, क्या विकास पर किस तरह से? कुछ नहीं सोचे हैं? घर वाले कहे हैं क्या कि इस पे वोट दे दीजिएगा? हाँ, कुछ मन में है क्या किसको वोट देना है, किस क्या सोच के आए हैं? अच्छा, सुनो पढ़ती हैं। अच्छा, क्या सोच के आए आज की, क्या किस पे वोट देना है, किस तरह से? अपने सही नेता को चुनेंगे और सही लोग को ही वोट करेंगे। सही को वोट देना है जो अपने लिए सही है। आपका? मीरा प्रजापति। मीरा, क्या सोच के आई हैं आज वोट देने के लिए, किसको कैसे चुनेंगे, क्या विकास का मुद्दा है या कुछ और? मोदी जी। अमित कुमार से। क्या आज सोच के आया, क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे जो आप वोट देने आए हैं? क्या विकास और राष्ट्रवाद का मुद्दा है? अच्छा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। क्या नाम है चाचा? संजय चौहान। अच्छा, क्या सोच के आए हैं आज हम वोट देने के लिए? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आजाद मौर्या। क्या सोच के आए हैं आज यहाँ पे वोटिंग लाइन में? सोच के यही है कि हमारा कर्तव्य वोट देना, हम वोट देने आए हैं। वोट देने जी। लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी घरों में है, जहाँ वोट हो रहा है? ये चाहेंगे कि वो घर से लोग बाहर निकलें और वोट करें, जो उनका कर्तव्य है।